दोस्तों, पहाड़ी होते हुए भी एक चीज मुझसे रह गई आज तक, और वो है हल लगाना। पहली बार हल लगा के भी देखते हैं। चल सुन के उठ खोल तू था। सूरज कुश्ती का है चाचा जी ने। वाह पहाड़ी फील। खेत में काम करते करते ऐसे रोटी खाने का मजा ही कुछ अलग है। ये तो खराब निकल गई भाई। लेकिन यहाँ अभी भी धूप लगी हुई है। ऐसी जगह पर हमारा गांव है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। दोस्तों कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ बरसात के इस खूबसूरत मौसम के साथ और चाय की इस चुस्की के साथ। दोस्तों गर्मियों का मौसम है, ये अप्रैल का महीना है दोस्तों, और ऐसा लग रहा है कि दिसंबर का महीना अभी चल रहा है, क्योंकि देखो आप देख सकते हैं मेरे हुलिये को, आप देख सकते हैं मैंने टोपी रखी हुई है और साथ में जैकेट भी। इतना आज ठंड महसूस हो रही है दोस्तों। पहाड़ों में यही होता है, चाहे गर्मी का मौसम हो, यदि बारिश लग गई तो पूरा सर्दी जैसा अनुभव होता है। लेकिन दोस्तों चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो, लेकिन खेती बाड़ी तो सबसे पहले है हम पहाड़ियों के लिए, हम किसानों के लिए। तो इसीलिए मुझे अभी जाना है खेत और वहाँ आज हल लगाना है दोस्तों। थोड़ा बूंदाबांदी, हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, लेकिन फिर भी मुझे जाना पड़ेगा। इसका कारण यह है दोस्तों, जो खेतों की जो ज़मीन थी वो पहले बहुत हार्ड हो चुकी थी धूप की वजह से, लेकिन बारिश आने से थोड़ा सॉफ्ट हो गई है, इसीलिए हल लगाने के लिए थोड़ा आसानी होगी। ये भी मजे ले रही है बारिश के। तो दोस्तों बारिश बंद हो चुकी है, धूप भी लग चुकी है और आसमान थोड़ा साफ हो चुका है, तो इसीलिए मैं निकल रहा हूँ खेत जहाँ की आज झुंगोरा बोया जाएगा। बैल वहाँ पहुँच चुके हैं और मैं अब जा रहा हूँ दोस्तों। तो कुछ लोग सुबह ही पहुँच गए हैं हल लगाने। ये चाचा जी, ये रहा हमारा खेत, बिल्कुल चढ़ाई पर है और ये बैल भी पहुँच चुका है। अब मुझे बीज ले जाना है वहाँ पर। तो सीधा सीधा खेत में आने के बाद मैं ये तुअर की दाल बोऊँगा दोस्तों, क्योंकि जो खेत के सबसे बाहरी साइड है वहाँ हल लग चुका है, तो मैं तुअर की दाल लगाऊंगा। वाह वाह वाह, चलो चलो चलो। दोस्तों जब गांव में हल लगाने का सीज़न शुरू होता है तो गांव में कुछ हलिया लोग होते हैं, मतलब जो हल लगाते हैं उनका कारोबार वही होता है। तो जो हमारा हल लगा रहे हैं वह है गांव में एक हलिया भैजी हैं, तो वो हमारा हल लगा रहे हैं दोस्तों। और इनकी दिहाड़ी कम से कम 600-700 ऐसे होती है दोस्तों, तो एक दिन की दिहाड़ी 600-700 होती है, और अलग से उन्हें घास भी देना पड़ता है उनके बैलों के लिए। दोस्तों पहाड़ी होते हुए भी एक चीज़ मुझसे रह गई आज तक, और वो है हल लगाना। आज तक मैंने कभी हल नहीं लगाया दोस्तों, क्योंकि मुझे हल लगाना आता नहीं है, इसीलिए हमने गांव में हलिया भैजी को हल लगाने के लिए कहा है। पहली बार हल लगा के भी देखते हैं। पहली बार लगा रहा हूँ दोस्तों। अरे वाह बहुत ही मजा आ रही है दोस्तों, काफी आनंद आ रहा है। मैंने गलती की, आज तक मैंने हल नहीं लगाया। 22 साल की उम्र हो गई लेकिन पहली बार लगा रहा हूँ। और जहाँ पर हमारे ये खेत हैं दोस्तों, ये हमारा गांव का राइट साइड है, यहीं इस तरफ, तो यहाँ पर बिल्कुल पत्थर बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब
जो पत्थर कंकड़ वगैरह होते हैं वो खेतों में बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए यहाँ गेहूँ नहीं बोया जाता है, यहाँ सिर्फ बोया जाता है झंगोरा, क्योंकि झंगोरा ऐसी ज़मीन पर हो जाता है। ये देखो यार, ये बड़ी समस्या होती है खेतों में। यहाँ पर हमारे चार खेत हैं, एक जहाँ पर हल लग रहा है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। माँ भी आ चुकी है। हल लगाने वाला सियन सबसे अच्छा रहता है, खेतों में जाते हैं सभी लोग एकजुट होकर हल लगाते हैं, बातें भी करते हैं आपस में। तो माँ भी आ चुकी है रोटी लेके, ये रही रोटी, इसमें थोड़ी देर में रोटी खाएंगे। शाबाश सूरज, शाबाश। किधर आ सकता थी? ओ या बारिश की वजह से है? आ गई रोटी, आ गई सब कुछ आ गया है ना, ना चाह वो अब खाना है, चाह भी ले जमाई तब फिर के दिखा। ये देखो सूरज सिर्फ सातवीं क्लास में रहता है और हल लगाने में बहुत ही माहिर है। ये देखो ये होते हैं असली पहाड़ी, सिर्फ मैंने नहीं लिया ये अनुभव लेकिन आज ले चुका हूँ। सूरज को सिखाया है चाचा जी ने, ऐसा ही होता है। कोई पहले से सीख के नहीं आता है, बड़े लोग हमें सिखाते हैं, जैसे चाचा जी को किसी और ने सिखाया होगा। चाचा जी आपको किसने सिखाया था? दादाजी, किसी के साथ हल पकड़ा और सीख लिया, जैसे दादाजी के साथ सीखा होगा चाचा जी ने, ऐसे ही जैसे आज सूरज सीख रहा है चाचा जी के साथ और बहुत अच्छा हल लगा रहा है। हल लगाने के लिए एक साथी जरूर अपने साथ होना चाहिए, थोड़ा आराम मिलता है जैसे कि चाचा जी को मिल रहा है सूरज का साथ। चाय, खेत में चाय का आनंद। वाह पहाड़ी फील। रोटी खाते अब, ये सब्जी गोभी और आलू की, ये चाय और ये रोटी। खावा खावा। खेत में काम करते करते ऐसे रोटी खाने का मजा ही कुछ अलग है, मतलब जितना घर में खाते उससे दो रोटी एक्स्ट्रा खाई जाती है, खेतों में भूख भी ज़्यादा लगती है और खाने में जो स्वाद आता है ना वो कुछ अलग ही होता है, चाहे कुछ भी बना हो, चाहे नमक ही कम क्यों ना, स्वाद बहुत ज़बरदस्त आता है। तो भाभी जी भी आ चुकी हैं खेतों में, क्योंकि अब इनके खेतों में हल लगेगा। हमारे खेत तो पूरे हो चुके हैं, चार खेत थे, एक वहाँ एक तीन, ये इनमें हो चुका है पूरा, अब भाभी लोगों के खेत में लगेगा। क्या कह लेंगे तुम्हारा? ये बीज वगैरह है झंगोरा, बाकी पानी की बोतल बहुत जरूरी है। ये कुटला है, कुटला बोल दो, कुदाल कुल्ली के लिए, क्या कुल्ली, कुल्ली कुल्ली बोलते हम तोर। यह बहुत अच्छी दाल है, ये सबसे पौष्टिक दाल पहाड़ों में, जो खेत का जो सबसे किनारा वाला भाग होता है ना उसमें तोर डाली जाती है, बाकी बीज में झंगोरा। माँ आ चुका है, रोटी खाना भी हो चुका है, इसीलिए मेरा घर जाने का टाइम हो चुका है। जान जी और जान जी, ठीक है अब मुझे घर जाना है, भैंस को अंदर बांधना है और उसके बाद भात बनाने की भी तैयारी करनी। भाई भी आओ, मैं चलू चाची, ठीक है आप चलो, अब चलते हैं घर। ये पूरे जो पीछे खेत है ये सब हमारे खेत थे पहले, ऐसे कुछ ऐसा नज़ारा खेतों का। लीची फ्लेवर एक, एक चोकोबार हो गई है, तीन चोकोबार दो, आप देख लीजिए यार, बिल्कुल सही निकलेगी, भगवान का अजूबा, ऐसी बात कर रहे हो यार भाई, ये तो खराब निकल गई, मैंने ये निकाला घाटा हमारी पड़ जाता ना। अरे भाई तुम्हारा घाटा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अरे वो खराब पड़ गई,
ये पैसे काट दो भाई, कहते हैं ठीक है भाई, ठीक है भाई फिर मिलेंगे। ये रही चोकोबार, गर्मियों का सीजन है इसीलिए आइसक्रीम भी बनती है कभी कभी, गांव में आते रहते हैं प्रत्येक दूसरे तीसरे दिन। दोस्तों अभी शाम की 6 बज रही हैं और हमारे गांव में धूप अभी भी लगी हुई है, बाकी हमारे गांव के जो अगल बगल के जो और गांव हैं वहां धूप जा चुकी है पूरी तरह से, लेकिन यहां अभी भी धूप लगी हुई है। ऐसी जगह पर हमारा गाँव है, देख सकते हैं आप। शाम का समय हो रहा है और गांव के लड़कों का यहाँ पर चल रहा है क्रिकेट। ओ नो, यहाँ पर बेहतरीन खिलाड़ी क्लीन बोल्ड हो चुके हैं, जो कि टीम के लिए दुख वाली बात होगी। ओ यहाँ पर कैच का मौका था लेकिन बच गई प्लेयर, एक रन लिया।